अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज की जो वीडियो बनने वाली है ऑल प्रॉपर क्लीनर के मुताबिक, क्योंकि ऑल प्रॉपर क्लीनर क्या करता है, कैसे सफाई करता है, वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रॉपर गाइड करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी काम की तरफ कि कैसा काम किया। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये जो रेक्सिन है बहुत ज़्यादा रस्ट में है और जड़ तक जो मैल है वो इसको लगी हुई है। और अभी जो हम क्लीनिंग करने वाले हैं प्रॉपर के साथ, और प्रॉपर क्लीनर जो है APC के साथ हम साफ़ करने वाले हैं, वो हम आधा हिस्सा साफ़ करके दिखाएंगे कि कैसे सफ़ा होता है और कितना रिज़ल्ट आता है। तो हम बढ़ते हैं हम आगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें एक अच्छा सा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो गाइस ये देखें, हमने कहा कि उससे पहले कि हम एक टेपिंग लगा दें वो बेस्ट है, क्योंकि इससे ये है कि आपको भी प्रॉपर आइडिया हो जाए टेपिंग से कि आपके हमारे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। क्योंकि हम अक्सर बता रहे होते हैं कि जी हम APC यूज़ करते हैं और के और प्रॉपर क्लीनर जो है वो हम साफ कर रहे होते हैं, तो अक्सर कस्टमर कहते हैं APC क्या होता है। तो हम आज मैंने कहा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूं जिससे आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि जो आपकी जो रेक्सिन है वो कितनी डस्ट में होती है और प्रॉपर क्लीनर का क्या रिज़ल्ट होता है और कितनी क्लीनिंग प्रॉपर से कर रहा होता है। तो आप देख रहे होंगे अब इस वीडियो के अंदर कि हम बड़े ही सॉफ्ट के ब्रश के साथ, इतना हार्ड नहीं लगा रहे, बिल्कुल एक नॉर्मल ब्रश की तरह लगा रहे हैं। क्योंकि कुछ रेक्सिन ऐसी होती हैं जो ज़्यादा हार्ड ब्रश लगाने से उसकी वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए हम इसकी जगह पे जो है वो आपको ऑल प्रॉपर क्लीनर यूज़ करवाना चाहिए जिससे आपकी रेक्सिन डैमेज ना हो सके और एक रिजिनल वापस अपनी शाइन में आ सके। तो देख रहे हैं अभी बड़े ही प्यार से इसको रब किया जा रहा है और बिल्कुल थोड़ा सा APC लगाना पड़ता है, कोई ज़्यादा नहीं कि आपने ज़्यादा लगाते जाना है, बार बार ब्रश लगाते जाना है, बड़े ही नॉर्मल के साथ। तो अभी देखें माशाल्लाह अभी जो है वो अच्छे तरीके हो चुका है। तो आपको जी ये देखें नज़र आ रहा होगा कि मैं कहता हूँ एंड हो गई है। और प्रॉपर क्लीनर का ये रिज़ल्ट होता है, जब आपकी गाड़ियाँ आती हैं तो हम कहते हैं जी भाई आप अपनी गाड़ी को डिटेलिंग कराएं, क्या बात है भाई। ये देखें जी बिफोर और आफ्टर का रिज़ल्ट आपको खुद गाइड आइडिया हो रहा होगा। मैंने कहा इस टॉपिक पे आप लोगों की एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि आप हमारे भाई व्यूवर्स जितने भी देख रहे होते हैं वीडियो में, तो इंशाल्लाह ये एक छोटी सी वीडियो थी। तो मज़ीद आप लोगों को भी वीडियो लाते रहा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।